सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिबा। आपके चैनल में रियल लाइफ एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज है दिवाली, मैंने दिवाली की प्रिपरेशन कर ली है, तो शाम हो गई है। शाम को हमारे घर पकौड़े, मैंने पकौड़े बनाए हैं, भुजिया बनाए हैं, तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ। चार भुजिए आप सभी को गवल परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलो सुबह के मजा आ रहा है। मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का साथ। हैप्पी दिवाली। मैं इसके चारों तरफ ये फ्लावर प्रिंट्स हैं, तो मैं इसकी मदद से चारों तरफ ये फ्लावर्स जैसे दो पिंक बनाए हैं और डिफरेंट कलर के मैं इसको बनाऊंगी। तो देखो मुझसे थोड़ा बैठा उठाने जा रहा है, बट मैं कोशिश बहुत कर रही थी क्योंकि दिवाली साल में एक बार आती है, तो मैं बहुत कोशिश किया और बन गया। बहुत कोशिश की, फाइनली मैंने ये फ्लावर से। हेलो दोस्तों, फाइनली मेरी रंगोली बन गई है, तो मैं आपको रंगोली दिखाती हूँ। कैसी बती है बताना, मैं तो बहुत थक गई हूँ क्योंकि बैठा तो जाता नहीं मुझसे। चलो मैं रंगोली दिखाती हूँ। ये है मेरी रंगोली लक्ष्मी माँ के चरण पादुका। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जाए रंगोली बनाने, बट बना ली फाइनली मैंने रंगोली। अब मैं तैयार हो गई हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। फाइनली तैयार होने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ये रंगोली फाइनली कैसी लग रही है। नाइट का सीन दिखाऊंगी अपने घर का। ये देखो मेरा घर कैसा लगा है, सजावट कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरे हस्बैंड ने की है और मेरे भांजे ने मिलकर ये लाइट्स लगाई हैं। और मैंने देखो बाहर आम के पत्तों का तोरण लगाया है। ये मेरी रंगोली के साथ से मेरा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं, पूजा दिखाते हैं आपको हम पूजा कैसे करते हैं। ये देखो हम पूजा करने की तैयारी में हैं। यहाँ पे मैंने एक रंगोली बनाई है। देखो मेरी मम्मी दिए जला रहे हैं, पापा जी, मेरे हस्बैंड और मैं सब मिलकर आरती करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद गुरुद्वारे, मैं गुरुद्वारे नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जा रहे हैं गुरुद्वारे। वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद देते हैं नए कल की, नए सवेरे की, नए साल की, कि सब अच्छा हो। तो ये है गुरुद्वारा तलन से। तो यहाँ पे आए मेरे हस्बैंड और ये देखो गुरुद्वारे पाठ चल रहा है। कितनी अच्छी सजावट हुई है गुरुद्वारे में, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद माथा टेकने के बाद अब मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा जाएंगे वहाँ पे दीपदान यानी मोमबत्ती जलाने। देखो यहाँ पे सारे लोग दिवाली की खुशी में गुरुद्वारे में अरदास करते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड जला रहे हैं, कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा मोमेंट्स है। के साथ शेयर करें।
गए हैं छत पे। अब हम लोग दिए वगैरह जला चुके हैं और अब हम लोग बजाएंगे पटाखे। तो पटाखे बहुत सारे हैं तो इन्होंने मुझे तो डर लगता है इन्होंने बजाने और अंशु ने बजाने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पटाखे पटाखे पटाखे, तो ये है पटाखे, तो इन्होंने पटाखे बजाने हैं, तो दिखाती हूँ मैं ये लोग कैसे पटाखे बजाते हैं। ये पापा जी बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, ये लोग पटाखे बजाएंगे। ये देखो एक लड़का है जा रहा है, ये भी पटाखे बजाएगा। देखो दो लोग बजा रहे हैं पटाखे। मैं हस्बैंड के साथ बहुत मस्ती कर रही हूँ, पटाखे बजा रहे हैं, जरी बजा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको भी बहुत कर रहे हैं बगल वाले आंटी के साथ मस्ती और ये जा रही हैं पटाखे। बहुत खुश हुई है क्योंकि बहुत दूर है तो इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस तो पापा चलाने लगे हैं नाथ, देखते हैं नाथ नाथ चल जाना आए पीछे आ जाए। ये नाथ जला हमारा कलरफुल।